जय वाल्मीकि जमीन साथियों साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व ग्वालियर शहर में एक वाल्मीकि समाज की हड़ताल हुई थी, एक आंदोलन हुआ था जिसमें वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी थी और अचानक से वह हड़ताल अपने आप खत्म कर दी गई। क्या कारण रहा पता नहीं, लेकिन आज ही वह हड़ताल किसी दूसरे रूप में चल रही है। आज जब मैं फूल बाग चौराहे से गाड़ी लेकर निकला तो मैंने देखा कि वह आंदोलन अभी भी चालू था, कुछ लोग उस आंदोलन को चला रहे हैं। मैं इस बात को कुछ समझ नहीं पाया कि अभी जो आंदोलन चल रहा था वह तो खत्म हो गया, अब ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो मैं उन लोगों के पास जाकर पहुंचा तो वहां कुछ महिलाएं उस आंदोलन को चला रही थी। आइए मैं सीधे आपको वहीं लेकर चलता हूँ, वहां के हालात दिखाता हूँ कि तेज मूसलाधार बारिश के बीच भी आंदोलनकर्ता महिला नेत्रियां और पुरुष कर्मचारी वहां बैठकर आंदोलन को चालू किए हुए हैं, जारी किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं इस आंदोलन, ये आंदोलन अभी क्यों चल रहा है, क्या कारण है और जो खत्म हुआ था वह क्यों हुआ था। सारी हकीकत अभी हम कर्मचारियों से मिलकर उनके द्वारा ही जानते हैं। भाई बाबा साहब को ऊपर कर लो, हाँ। ये जो फूल बाग पर अम्बेडकर पार्क पर जो धरना स्थल चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है कर्मचारियों का, ये सफाई कर्मचारियों का चल रहा है। ये 2 तारीख से प्रशासन को आगाह कर दिया गया था कि हमारी मांगे कुछ जो लीगल हैं, 3 मांगे जो लीगल हैं उन पे थोड़ा विचार करें और हमारी मांगे पूरी करें जिससे हम कोई आंदोलन करने की स्थिति में ना पहुँचें। लेकिन प्रशासन मौन रहा इस चीज़ को लेकर और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया। काली पट्टी से इनने विरोध शुरू किया था कर्मचारियों ने, फिर लास्ट पहुंचा आमरण अनशन पर। तो जो आमरण अनशन कर रहे थे कर्मचारी नेतृत्व कर रहे थे, तो कुछ कारण वहां से वो चले गए। फिर शासन का दबाव आया हो या किसी प्रकार का लालच आया हो ये स्पष्ट नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि जो हमारा जो धरना स्थल चल रहा था, आमरण अनशन जो चल रहा था, इसको मैं यही स्थगित करता हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं बोला, ना किसी मीडिया के सामने बोला। जो कर्मचारी नेतृत्व कर रहे थे आमरण अनशन पर बैठे थे, वो सिर्फ 17 तारीख में ये बोलकर गए हैं कि हमारा स्वास्थ्य खराब है और प्रशासन की गाड़ी आई और उनको लेके गई। और कुछ कर्मचारियों से, जैसे यहाँ की किरण जो है महिला विंग से, तो उनसे बोल के गए बहन जी तुम बैठना, मैं अपना स्वास्थ्य चेकअप करा के आता हूँ और वापस आऊँगा मैं यहाँ। तो फिर वो लौट के नहीं आए, तो उसी दिन से मनसा उनकी समझ गए कि ये लौट के नहीं आए। तो किरण बहन जी कुछ महिलाओं को लेकर, कुछ कर्मचारियों को लेकर धरना प्रदर्शन आज तक जारी है। कुछ निम्न प्रकार की मांगें हैं जो लीगल तरीके से हैं, जैसे कि पहली मांग, जो विनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और ऐसा प्रशासन का आदेश भी है। ठेका प्रथा समाप्त की जाए, जो कि नगरी प्रशासन ने एक आदेश निकाला था 2019 में, तो ये लागू आदेश होना चाहिए। कई नगर निगम में ये आदेश लागू भी हो गया, जैसे कि इंदौर है, छोटी नगर पालिकाएँ अपने आसपास हैं, आलमपुर है, अकोला है, ठीक है, कई जगह ये ठेका प्रथा पूर्ण रूप से समाप्ति भी हो गई। तो अगर ग्वालियर में नगर निगम प्रशासन चाहे तो इसको भी खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकता है ठेका प्रथा को। तो इसी मांगों को लेकर यहाँ कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और धीरे धीरे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जीतेंगे भी, ये मैं बाबा साहब से कामना करता हूँ।